ऑपरेशन रियलाइज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका सिर्फ एक मकसद है, जो इतनी साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड नॉलेज इधर उधर बिखरी हुई है, हम उस सब को समेट के एक बहुत ही सरल भाषा में हर घर तक पहुंचा देंगे, ताकि हमारे देशवासियों को और आपके परिवार वालों को और आपके बच्चों को, आपके माता पिता को और आपको कभी भी हॉस्पिटल का मुँह ना देखना पड़े, ताकि इन शासन करने वालों को समझ आ जाए कि हम पिछले कुछ वक्त में कितने खून के आंसू रोए हैं। और इस इंटरनेट के युग में सही जानकारी के साथ जनता कितनी ताकतवर है, क्योंकि अब रोने की बारी इन शासन करने वालों की है। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन रियलाइज के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गिलोय कितनी जबरदस्त चीज है, अमृत है और लगभग हर बीमारी ठीक कर सकती है, त्रिदोष नाशक है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग हर हाल में देखें वो वीडियो। ये वीडियो इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है कि गिलोय का सेवन करने का सही तरीका क्या है। इस पूरी वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट्स थे, जो सवाल थे, उनके जवाब दिए गए हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला कमेंट है पूजा रॉय जी का कि गिलोय का यूज कैसे करें, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। और यही सवाल और भी बहुत सारे हमारे दोस्तों ने पूछा है। तो दोस्तों, जितनी मैजिकल चीज है गिलोय, उतना ही आसान इसका सेवन करना भी है। आप लोगों को 8 से 10 इंच लंबी गिलोय की टहनी यानी कि गिलोय की डंडी लेनी है। इसे छोटे छोटे टुकड़े करके इमाम दस्ते में कूट लें। जिन लोगों के पास इमाम दस्ता नहीं है तो वो इसके कटे हुए जो टुकड़े हैं उन्हें मिक्सर में कूट लें। अब आप इसको एक ग्लास पानी में उबालें और तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए, यानी कि आपके पास आधा ग्लास काढ़ा बचना चाहिए। सिंपल। अब अगर आपको पीने में कड़वा लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। अब लेकिन दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि शहद भी मिलावटी ना हो। और अगर प्योर शहद नहीं मिल पा रहा है तो हम तो कहेंगे कि एक घुटकी में निपटा लो वो आधा ग्लास, क्योंकि दोस्तों ये आप अमृत पी रहे हैं। और कई लोग इसे रात को भिगोकर सुबह इसका सेवन करते हैं। तो जैसी भी आपकी सहूलियत हो, आप इसे लें, ज़रूर लें। अब दूसरा सवाल जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इसको कब पिए सही टाइम। तो आप इसे रोज़ सुबह खाली पेट पी सकते हैं या फिर खाने से आधा घंटा पहले भी पी सकते हैं, लेकिन इसको लेने का बेस्ट टाइम है सुबह खाली पेट। अब तीसरा सवाल जो हमने उठाया है सारे सवालों को मिलाकर, कि कौन सी गिलोय खाएं और क्या गिलोय की टैबलेट्स खा सकते हैं, इसका उत्तर राजीव दीक्षित जी ने दिया है। सर्वश्रेष्ठ गिलोय होती है नीम के पेड़ पर लगी हुई गिलोय। नीम की गिलोय यानी कि नीम के पेड़ पर गिलोय की बेल चढ़ जाती है तो उसमें नीम के भी गुण आ जाते हैं, जो कि एक अद्भुत कॉम्बिनेशन बना देता है। और राजीव दीक्षित जी अपनी कई वीडियोस में इसका जिक्र कर चुके हैं कि बड़े से बड़ा बुखार को नीम गिलोय कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देता है। और अगर आपके पास नीम की गिलोय उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल गिलोय ही लें। और दूसरी चीज़ कि क्या गिलोय की टैबलेट्स यानी कि वटी खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये सीक्वेंस देखो अपनी स्क्रीन पर। सबसे उत्तम तो जैसे कि हमने आपको बताया, नीम के पेड़ पर लगी हुई गिलोय है। अगर आपको कहीं और से मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। अब आपको नहीं मिल पा रही है तो आप अपने घर पर उगाएं, क्योंकि गिलोय काफ़ी जल्दी उगती है, खासकर बारिश के सीज़न में। और अगर आप ये भी अरेंज नहीं कर पाते हैं तो आपको अमेज़न वेबसाइट पर गिलोय की टहनियाँ मिल जाएंगी। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप गिलोय की वटी लें। काफ़ी सारे ब्रांड्स की गिलोय की गोलियाँ आती हैं, आपके हिसाब से जो सबसे बढ़िया ब्रांड है वो लें। अब जो सबसे चर्चित ब्रांड है पतंजलि, तो हमने सोचा कि आम जनता क्या कह रही है पतंजलि की इस गिलोय घनवटी के बारे में, उसकी पड़ताल कर लेते हैं। दोस्तों, एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं पहले, कि ना हम पतंजलि को सपोर्ट करते हैं ना ही हम उसके खिलाफ हैं। हमारा पतंजलि और एलियन से कोई भी संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है। हमारा संपर्क है तो सिर्फ आपसे। बस ये है कि पतंजलि का रिव्यू ज़्यादा लोगों ने कर रखा था तो हम इसलिए उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो हमने चार वेबसाइट से डेटा लिया, Amazon, Flipkart, Paytm Mall और 1MG, और इसमें करीब 7 सेलर्स का डेटा था। तो कुल मिला के 1630 लोगों ने अपना रिव्यू दिया था और पतंजलि गिलोय घनवटी को 5 में से 4.4 रेटिंग्स दी गई हैं। अब ये 4.4 रेटिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
तो अगर आप गिलोय खुद से अरेंज नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पतंजलि की वटी ले सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि आपको खुद देखना पड़ेगा कि वटी आपको फ़ायदा दे रही है या नहीं, और किसी और की बात में मत पड़ना, क्योंकि वटी बनाने के तरीके की 1000 कमियाँ हैं और 1000 फ़ायदे। आप चाहें तो गिलोय वटी के ऊपर ये रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, इसमें गहराई से एक एक बात समझाई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और आपको ये बात भी बता देते हैं हम कि इस रिसर्च पेपर के हिसाब से शुद्ध गिलोय वटी का जो रंग होता है वो सफ़ेद होना चाहिए, और पतंजलि की वटी का रंग सफ़ेद नहीं होता है। लेकिन साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि 1600 से ज़्यादा लोगों ने उसे बहुत ही बढ़िया रेटिंग दे रखी है, तो ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी है और आगे तो आप खुद ही होशियार हैं। और दोस्तों, अगर आपने आलस नहीं करा और आप एक दो दिन के अंदर ही अपने लिए गिलोय की व्यवस्था कर लें तो आपका जीवन तो बदलना निश्चित है, क्योंकि आप लोगों के अंदर ऊर्जा आ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और आप लोग बीमार पड़ोगे ही नहीं, जिस कारण ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं ना, उनका भट्टा बैठ जाएगा। पता है क्या दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बस आप लोग वादा करो कि ये बातें आप कान से तो सुनोगे लेकिन मन से भी सुनोगे। हमारे देश में अंग्रेजी दवाइयों ने इतनी मार्केटिंग कर रखी है कि जैसे ही कोई बीमार पड़ता है ना, तो उसके दिमाग में डॉक्टर की जो छवि आती है वो आती ही सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर की है। लेकिन अगर ये जानकारी और ये बातें सब तक पहुंचने लग जाए, और मज़े की बात सबको पता भी है लेकिन बस भूल गए हैं, यानी कि अगर लोगों की नींद टूटने लग जाए और उन्हें याद आ जाए वो चीज़ जो हमारे देश को सबसे महान बनाती है और सबसे खुशकिस्मत बनाती है, और वो चीज़ है हमारे देश का आयुर्वेद। आप ऐसे समझिए कि हमारा देश एक ऐसी चीज़ के ऊपर बैठा है कि अगर उसे एहसास हो जाए अपनी शक्तियों का, आयुर्वेद का, तो जो इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ी मार्केट है, इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा खर्चा है औषधि, वो पूरी दुनिया को हमारा देश बेचेगा। और इसका परिणाम पता है क्या होगा कि हमारे देश में गिलोय, नीम, तुलसी, इनकी डिमांड बढ़ेगी, हमारे देश का फार्मिंग सेक्टर अमीर होगा, तो हमारे देश के अन्नदाता किसान वो अमीर होंगे, और जो गरीब किसान आज की तारीख में झोला लटकाए इन अंग्रेज़ों के औलादों के पास भीख मांगने जाते हैं, इन शासन करने वालों के बनाए हुए लॉज और एक्ट्स पे डिपेंडेंट है, जो कि वो लोग बस पार्लियामेंट में बैठे बैठे बना देते हैं, और बीजेपी अपनी कमियां कांग्रेस पर थोपती है और कांग्रेस अपनी गलतियां बीजेपी पर थोपती है, पिछले 75 साल से ये मिलकर हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। नेता लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और हमारा किसान भूखा मरता है, सुसाइड करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग जग गए और वापस आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की तरफ आ गए तो हमारा फार्मिंग सेक्टर मजबूत होगा, और ये बात आप अपने दिल और दिमाग में छाप लो, और ये वो दिन होगा जिस दिन किसान खुलेआम बोलेगा कि शासन करने वालों और नेताओं, पहले लाइन से खड़े हो, अपना आधार कार्ड दिखाओ और अपनी देशभक्ति साबित करो, राशन कार्ड दिखाओ और बड़े बड़े फॉर्म भरो, तब जाकर हम किसान सोचेंगे कि किस नेता को कितना अन्न देना है, गिलोय देनी है, नीम देनी है, तुलसी, एलोवेरा देनी है, और कितनों को तड़पा तड़पा कर भूखा मारना है। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूरी जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी पूरी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। हम सबको बहुत सहयोग मिलता है और मोटिवेशन मिलती है। अगर आप या आपका कोई भी चाहने वाला स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहा है, या फिर आप अगर ध्यान की दुनिया का स्वाद चखना चाहते हैं, तो आप द ओनली वन कम्यून की मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जल्द मिलते हैं, तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने परिवार का ध्यान रखें, किसी और के भरोसे ना रहें। धन्यवाद।